हाँ नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो अपना वेलजेन कंपनी का जो वेन पंप है उसकी अगर अपने को किट चेंज करनी है तो हम कैसे करेंगे, ओनली प्रेशर वाली किट, क्योंकि ये ड्यूल वेन पंप है तो इसमें आपको मालूम है कि जो मोटर की तरफ होता है, देखिए ये मोटर है, मोटर की तरफ होता है क्या है कि अपना बड़ा किट रहता है। बड़ा किट मीन्स बोले तो हाई वॉल्यूम और लो प्रेशर बनाने के लिए। जो ये छोटा किट होता है जो मोटर के अपोजिट साइड में, ये हमेशा हाई प्रेशर का होता है, इसलिए इसका मतलब हो गया कि लो वॉल्यूम हाई प्रेशर। तो अभी मेरा इस किट में प्रॉब्लम है तो मेरे को करना क्या है, इस किट को चेंज करना है तो पूरा पंप खोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको इसका मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरा इसका मॉडल नंबर है। और अब हम लोग जो है इसका ये बोल्ट खोलेंगे, ये पाइप खोलेंगे, ठीक है। तो अभी जो है इस पाइप को खोलेंगे, पाइप को खोलो, मैंने लूज करके रखा है, ये हटा दो। इसके बाद ये बोल्ट खोलो, कुछ बोल्ट मैंने खोल दिए हैं, अभी ये बोल्ट बचा है इसको खोलना है, लूज मैंने करके रखे, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन करूँगा पूरा, ठीक है। तो ये बोल्ट हटाने के बाद इसको हटाएंगे तो किट इसके साथ ही निकल जाएगी। आप देख रहे हैं कि नई किट मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। इसको अभी साइड में कर दो उधर, अभी इसको यहाँ पे धीरे धीरे चोट मारो, यहाँ पे धीरे धीरे, हाँ इसी के ले लो, हाँ इसी से धीरे धीरे लो, बाहर निकालो, हाँ ऐसे इधर से टेस्टर लेके यहाँ पे डाल सकते हो, धीरे धीरे इसको बाहर लो, पेच का ज़्यादा बड़ा नहीं तो अंदर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। बस आराम से सीधा सीधा निकाल। अब ये मोबाइल पकड़ो ज़रा और यहीं पे आपको फोक्स रखना है इस पर। अभी जो है इस किट को बड़े आराम से आपको ऐसे निकालना है, इसमें डावल का कमाल होता है, मेन अपने को ध्यान रखना है, डावल इस साइड से निकल के आइए, यानी मीन्स बोले तो अंदर दिखाएंगे हम, ये डावल यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है। तो ये डावल यहाँ पे एक निशान यहाँ है डावल का, एक ऊपर होता है, दो दो जगह डावल जाती है, ठीक है। तो अभी अपना डावल का मेन ये है तो अपने को यहाँ पे डालना है, ये इसका सप्लाइन कट वाला जो है शाफ्ट होता है, कई बार शाफ्ट भी टूट जाता है तब भी आपका प्रेशर नहीं बनेगा, तो आपको ध्यान देना है कहीं शाफ्ट तो नहीं टूट गया है। पता लगा आप किट बदल रहे हो, खाली पहले किट मंगवा ली, इसलिए किट मंगवाने से पहले आपको चेक करना है कि शाफ्ट तो ओके है ना। पता लगा शाफ्ट टूट गया, आपने किट मंगवाई तो आपको फिर बाद में शाफ्ट मंगवाना पड़े, तो आपको ध्यान देना है कि ये शाफ्ट भी बराबर होनी चाहिए तभी आपकी किट काम करेगी। अभी देखिए मेरी ये किट निकली है, अभी मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको उठा के रखो भाई, इसको उठाना है, किट को पकड़ना है, ठीक है। किट को पकड़ने के बाद ऊपर उठाओ और इसको धीरे धीरे आप मारोगे तो आपकी जो किट है ऐसे धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी और ये नीचे जो इसका बॉडी होता है पंप का बॉडी वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको बराबर मारना है ताकि टेढ़ा ना हो, ऐसे निकल जाएगा आपका किट। आपको धीरे धीरे चोट मारना है, अगर मेल टेमर है तो मेल टेमर लिए लीजिए, लोहे का पार्ट मत लीजिए क्योंकि लोहे का पार्ट लेने से ऐसे डेंट आएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जोर से मार दोगे तो और ज़्यादा लॉस होगा। यहाँ पे एक ओरिंग लगी हुई है उसका आपको ध्यान रखना, जैसे ये ओरिंग नई भी आई होगी। अभी सबसे पहले जब हमने किट निकाला है तो हमें ये देखना है कि ये हमारा इस तरीके से था, यानी डावल हमारा इस साइड इस पोजिशन पर था, तो हमें देखना क्या है इसमें, एक तो रोटेशन ध्यान रखनी होती है। देखिए इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका एरो इधर दिखाया गया है, ठीक है। अब मैं अगर वो डालूंगा उसका एरो इधर हुआ तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक किट जो है आपकी बड़ी वाली क्लॉकवाइज चलेगी और ये वाली लेफ्ट तो गड़बड़ हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या है ये एरो देखना ज़रूरी है, ठीक है। ये यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा ध्यान से, ये एरो यहाँ पे लगा होता है, अब देखो ज़रा कहाँ देखा है, अब ये दिख रहा है एरो, ठीक है। अब ऐसे ही मैं दूसरा किट देखूंगा, उस किट में मेरे को देखना है कि ऐसे ही पकड़ूंगा जैसे था, ये इधर हो गया मेरा, यहाँ पे मेरे को देखना एरो किधर है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए वही सेम क्लॉकवाइज है और VT77 इसमें क्या है देखो ज़रा, VT76 है, मीन्स बोले तो वो अपना 6 GPM का था और ये 7 GPM, मतलब 1 गैलन बढ़ गया है, तो थोड़ा सा LPM ज़्यादा हो जाएगा। मेरे पास अभी 6 GPM का नहीं मिला तो मैंने 7 GPM का लिया है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को कभी भी इसके अंदर नहीं डालना है, ये मेरे को इसके अंदर डालना है। तो हमें क्या करना है कि डावल मिलाना है, हमें ध्यान रखना है कि मेरा जो ये इसमें जाएगा इस तरीके से, और इसके अंदर जाने के बाद देखिए अपने को मालूम नहीं चल रहा है इधर की डावल किधर जा रहा है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो, यहाँ डावल है इधर मत लीजिए डावल को, डावल का पोजिशन
नीचे रखिए, नीचे क्योंकि वहाँ पे जाके टकरा जाएगा डावल, तो हम घुमाएंगे तो डावल उसमें बैठ जाएगा फिर। अभी देखिए हम सीधा सीधा इसको थोड़ा सा मूवमेंट करके अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, पेपर हो जाता है तो नहीं जाएगा क्योंकि हम इसको पूरा ओपन नहीं कर रहे हैं। देखते हो अभी इस तरीके से हम डालेंगे, हाँ इस तरीके से बाहर लिया। ये क्यों नहीं जाता है देखिए, इसका भी एक रीज़न होता है आपका। ये देखिए यहाँ से बराबर है, ये ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से डाउन चला गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है पहले। अब आप ये कहीं ट्रांसपोर्ट में आया है, कहीं से ऊपर से फेंका है, नीचे फेंका है, तो इसमें एक दिक्कत रह सकता है। और ये इसका बैकअप रिंग होता है जो कि इसके अंदर लगा रहता है, इसका भी आपको ध्यान देना कि डालते टाइम ये कट ना जाए। अगर ये कट गया तब भी आपका प्रेशर नहीं बनेगा। तो बराबर है, टेस्टर दे दो जरा मेरे को। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे दो पेच रहते हैं, अपने को क्या करना है ये पेच को खोलना है, बड़ा पेच का सही है, दूध हो गया वैसे टेस्टर से हो जाता। अब इनको क्या करना है, अपने को सीधा करना है, सीधा नहीं तो बोले तो ये देखिए अब ये मूवमेंट हो जाता है, ये आउट हो जाता है तो दिक्कत करता है। आपको पकड़ के इसको क्या करना है, पहले सीधा जोड़ देना है चारों तरफ से, ये सीधा हो क्योंकि यहाँ पे MM वाला गेप नहीं रहता है अंदर जाने के लिए, माइक्रोन वाला ही रहता है, तो उसमें क्या होता है दिक्कत होगा। अब वापस इसको टाइट करिए बड़े प्यार से दोनों को, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी है, नहीं ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए जिस पोजीशन में मैंने बोला उसी पोजीशन में आपको अंदर डालना है, बड़े प्यार से अंदर डालना है, इसको कोशिश करना है फंसे ना। देखिए फ्रेंड इसको जब डालना है आपको तो कैसे डालना है, हम यहाँ पे थे, देखिए इसको ऐसे लेना है और यहाँ पे ले जाना है, और जैसे आप ऐसे दबा करके घुमाते जाओगे डावल जहाँ होगी वो उसके अंदर अपने आप कट से बैठ जाएगा, अब वो घूमेगा नहीं, मूवमेंट नहीं करेगा। उसके बाद हमें ये लगा देना है वापस, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे, ये एक ओरिंग आया है साथ में, हम नया डाल देंगे। बिल्कुल बराबर लेके उसको साथ में बैठा देना है। अब आपको केवल ये बोल्ट टाइट करना है और ये पाइप वापस जोड़ देना है, उसके बाद चालू करके आप अपना प्रेशर देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मशीन लगी हुई, जैसे ये हमारा अभी यहाँ पे ये PCM लगा हुआ है, प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल, यानी हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, वो दोनों को यहाँ पर हमने डायरेक्शन कंट्रोल जो भी सोलोनाइड ऑपरेटेड है मेरी वो वाली लगा करके रिलीफ वाल्व को हमने कंट्रोल करवाया, ताकि जब ज़रूरत हो तब मैं लो प्रेशर लूँ, जब ज़रूरत हो तो मैं हाई प्रेशर लूँ। तो उस तरीके से क्या है, मेरा एनर्जी का भी सेविंग होता है। अब क्या होता है, हम बिना डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के खरीद लेते हैं PCM, तो क्या होता है दोनों कंटिन्यू आपको वो देते रहते हैं प्रेशर, किसी को मालूम नहीं है पूरा टाइट कर दिया, दोनों फुल प्रेशर दे रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा जाता है। इसलिए हमेशा आपको ऐसा ही लेना चाहिए जिसके ऊपर आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा हो, ठीक है, ताकि जब आपको जरूरत हो तभी आप प्रेशर लो हाई और लो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतना ही था, और आपको कैसा वीडियो लगा ये, ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।